सहयोगी दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें छोड़ेगी। आरएलडी अपना दल निषाद पार्टी सुभाषपा के लिए 6 सीटें देगी। भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि अपना दल और आरएलडी के लिए दो दो लोकसभा सीटें देगी। निषाद पार्टी और सुभाषपा के लिए एक एक लोकसभा सीट छोड़ेगी। वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय हो चुके हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मजहर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर, देखिए, जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई, उसमें कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें छोड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, अब वाराणसी समेत 56 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा जो सहयोगी दल है उनको 6 सीटें दी गई हैं। अगर जो आरएलडी की बात करें और अपना सुभाषपा की बात करें तो दो दो सीटें उनको मिली है और एक एक सीट निषाद पार्टी। और साथ ही साथ लोकसभा का ये चुनाव की जो पूरी लिस्ट है, पहली लिस्ट में 56 प्रत्याशी हैं और 56 प्रत्याशियों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको वाराणसी से दावेदारी दी गई है। 80 में से 6 सीटों पर जो उनके सहयोगी दल हैं वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ जो बाकी की जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 56 सीटों को अब तक फाइनल किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या तमाम जो ऐसे लोग हैं वो इस बार एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर जो सहयोगी दल है उनको भी टिकट दिया गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, आरएलडी है, उसके अलावा जो निषाद पार्टी है, तमाम ऐसी जो छोटी छोटी पार्टी जो भाजपा के गठबंधन में थी उनको भी इस बार लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर दावेदारी दी गई है। जी जी बिल्कुल, संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, देखिए, प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है, लिस्ट आने की बस देरी है। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन का जो जिक्र कर रही थी उसका भी ध्यान रखी होगी? जी बिल्कुल नंदनी, बता दें आपको कि जिस तरह से कल ये चुनाव आयोग समिति की बैठक हुई बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें बीजेपी तमाम सीटों पे जो चर्चा की है तो उम्मीदवारों के नाम भी घोषित की गई है। तकरीबन 100 से अधिक जो उम्मीदवारों के नामों की सूची अब बहुत ही जल्द जारी होने वाली है और खास करके उन सीटों पे बीजेपी का खास मंथन किया है जहां पे बीजेपी ने 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में हार हासिल की थी। और कयास ये भी लगाया जाता है कि बीजेपी इस बार नए उम्मीदवारों को भी मौका देगी। 60 से 70 जो सांसद है के टिकट कट सकते हैं और उस जगह पे वो नए उम्मीदवारों को जगह देगी, जिसमें कुछ महिलाएं भी होंगी और कुछ युवाओं को भी सीट दिया जाएगा। तो देख, जिस तरह से बीजेपी लगातार विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण की बात करिए तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं को लेकर के बीजेपी बात कर रही है तो तकरीबन उम्मीद की जा रही है जो पुराने सांसद है, जो लगभग 2 से 3 बार सांसद जीत चुके हैं और जो उम्र दराज हो चुके हैं, उनका टिकट कट सकता है बीजेपी से और उसके जगह पे जो महिला को और जो युवा है उनको दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी पर जो सीट बांटने में जो देखी है वो पूरे प्रोसेस से तय किया गया, जैसे कि पहले देखिए वो नमो ऐप के जरिए हर एक लोकसभा क्षेत्र में अपने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का नाम चयन किया है और लोगों से उसके बारे में जानकारी ली गई है। फिर अपने मंत्रियों को हर एक लोकसभा सीट में भेजा गया था कि आप वहां पे जाकर के जो वहां के सांसद है उसका फीडबैक लीजिए। उसके बाद फिर उसको राज्य स्तरीय बैठक की गई थी। उसके बाद यहां पे कल जो बड़ी बैठक हुई है उसमें चर्चा की गई। उससे पहले, इस बैठक से पहले, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और ये जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास पर 3 घंटे के बैठक के बाद फिर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जिसपे की चुनावी रणनीति को लेकर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। जहां की बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में पहुंचे थे और तकरीबन 56 सीटों पे भी उत्तर प्रदेश में मुहर भी लग चुकी है, जहां पे वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत